वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी प्रशासन की सख्ती के तमाम दावों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद थाना क्षेत्र लोनी में बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में देर रात बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर एक परिवार के 4 सदस्यों को गोली मार दी। इस वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना लोनी क्षेत्र स्थित मेन बाजार की है। घटना के बाद जिले के आला अधिकारी घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। फिलहाल बदमाश किस इरादे से घर में घुसे और बदमाशों ने घर में लूट की है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। इसके अलावा पुलिस इसका भी पता लगा रही है कि क्या किसी रंजिश की वजह से परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमले किए गए हैं। दरअसल अज्ञात बदमाश देर रात घर में घुसे और कपड़ा व्यापारी 70 साल के रईसुद्दीन, उनके 30 के बेटे अजहर और 28 साल के बेटे इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा रईसुद्दीन की 65 वर्षीय पत्नी प्रतिमा को भी गोली मारी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि घटना में परिवार के एक गर्भवती महिला सदस्य की जान बच गई है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर में 5 सदस्य थे। इस वारदात के बाद से इलाके में सन्नाटा फैला हुआ है और आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार कपड़ा व्यवसायी के मकान में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कपड़ों का शोरूम है जबकि परिवार घर की ऊपरी मंजिल पर रहता है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुला लिया गया है और पुलिस की कई टीमें अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कर रही है। इस मामले में गाजियाबाद एएसपी अमित पाठक ने कहा है कि लोनी क्षेत्र में एक परिवार के 4 लोगों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है और इनमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एक घायल महिला का इलाज चल रहा है। घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। एसएसपी अमित पाठक के मुताबिक इस घटना में 3 टीमों को लगाया गया है जो कि अलग अलग पहलुओं में जांच कर रही है। घटना के सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।